नमस्कार मैं हूं हूँ अवनिंद्रासतोष आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ख़ास कार्यक्रम मुंबई में भाई का नाम तो आपने बहुत बार सुना होगा महसूस किया होगा देखा भी होगा लेकिन आज हम एक ऐसे भाई की बात करेंगे बहुत सारे भाई हैं अगर हम माफिया सरगनाओं की बात करते हैं अंडरवर्ल्ड की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम जो आता है आज की तारीख़ में वो दाऊद इब्राहिम का है और उस पर उस पर एक बहुत ही खूबसूरत किताब लिखी है खूबसूरत इस संदर्भ में कि बहुत सारी जो जानकारियाँ दुनिया के पास नहीं है उसको इकट्ठा करके एक नए स्वरूप में पेश किया है और उस पुस्तक को जो नाम दिया गया है उसका नाम है मुंबई और उसके जो रचयिता है उसके जो लेखक हैं बहुत लंबी मेहनत के बाद उसको मूर्त रूप दे पाने में सफल हुए हैं हमारे साथ खुद हैं विवेक अग्रवाल जी विवेक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है ये जो यात्रा रही आपकी उसके बारे में बताइए कि बहुत सारे विषयों को आप लेते रहे हैं इस पर कब से काम शुरू किया आपने देखिए मैं जब उम्र में छोटा ही था पढ़ाई लिखाई करता था तभी से चीज़ों को अलग नज़रिए से देखना उनके बीच घुसना उसमें से अपने मतलब की बातें निकालना वो सब एक आंतरिक रूप से पहले से ही था जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई और हम कॉलेज में आए और उसी समय से पत्रकारिता का आरंभ हो गया था पत्र संपादक के नाम लिखने लगे और वहाँ से फिर खबरें लिखने लगे या लेख लिखने लगे फ्रीलांस का दौर शुरू हो गया फिर उसके बाद अखबारों में बतौर पत्रकार या संवाददाता नौकरी शुरू हो गई ये सारी चीज़ें मध्य प्रदेश में होती रही हैं लेकिन उन्नीस में जब मैं मुंबई पहुँचा यहाँ पे एक साप्ताहिक ये माफ़ कीजिए एक दैनिक अखबार जो है इवनिंग शुरू होने वाला था उसके लिए मुझे उनके संपादक ने बुलाया और मैं जब यहाँ आया तो मुझे लगा कि उज्जैन इंदौर भोपाल जैसे शहर जो हैं वो मेरे लिए बहुत छोटे हैं क्योंकि वहां से मुझे कितनी इन्वेस्टिगेटिव खबरें मिल पाती हैं लेकिन मुंबई खबरों का न केवल महासागर है बल्कि ये तो आकाश गंगा है और अंडरवर्ल्ड जब अंडरवर्ल्ड की खबरें हम पढ़ा करते थे तो हमें ऐसा लगता था कि ये कुछ बियॉन्ड इमेजिनेशन बातें करते हैं चाहे वो करीम लाला की बात हो चाहे हाजी मस्तान की बात हो दाऊद इब्राहिम हो जब यहाँ आकर के सारी दुनिया को इस सारे ताम झाम को देखने का मौका मिला तब ये महसूस हुआ कि खबरें तो ये हैं। हम तो कुएं के मेंढक थे अब आए हैं असल में समंदर में तो यहाँ की खबरें खंगालनी शुरू हुई एक इबनिंगर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर के बड़े चैनलों तक की तकरीबन 20-22 साल की जो यात्रा रही और पत्रकारिता के जो पिछले करीब 34-35 सालों की जो कुल मिलाकर यात्रा रही उसमें कदम दर कदम आगे बढ़ते गए और हर सूचना जो है अपनी आदत के मुताबिक मैंने अपने पास में संग्रहित करके रखने का सिलसिला भी जारी रखा 94-95 के आसपास जहन में एक ये बात आई कि बॉम्बे अंडरवर्ल्ड पर कोई भी एथेंटिक किताब नहीं, नहीं है तो क्यों ना इस पर मैं एक किताब ये खुद का था जी बिल्कुल और 98 तक मेरे पास में साढ़े आठ सौ प्रश्न टाइप किए हुए साइज के तैयार हो चुके थे अब शंका ये थी कि ये इतनी मोटी किताब छापेगा कौन और पढ़ेगा कोई क्यों उसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए मैंने अंडरवर्ल्ड की चीजें हैं तो ऑथेंटिक हो तारीखें से लेकर के नाम तक जगह से लेकर के और आ, हर वो सूचना तक जो कि सच में घटित हुई है वही हो हर इंफॉर्मेशन को डबल क्रॉस चेक किया जाए तो लिहाजा हर चीज़ हमने उस खांचे में फिट करने की कोशिश की कि सच्चाई के बिल्कुल आसपास रहें या सच्चाई के अंदर ही रहें फिर जब ये बनते बनते किताब बनकर उसका स्वरूप तैयार हो गया तो उसे संपादित करने के लिए मैंने अपने एक वरिष्ठ जो हमारे सहयोगी थे उन्हें दी उन्होंने आठ महीने वो किताब रख ली अब वो नाइन्टी एट का वक्त ऐसा था जब अंडरवर्ल्ड में बहुत बड़े पैमाने पर भूकंप आया हुआ था भूचाल आया हुआ था एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का जोर चल रहा था और उस वक्त में तकरीबन तकरीबन डेढ़ लोग एनकाउंटर में मारे गए या आपसी मारकाट में मारे गए गैंगवार में मारे गए मेरी किताब का पूरा कलेवर उसकी जितनी भी चीजें थी वो छिन्न भिन्न हो गई छोटा राजा चुका था गवली के साथ में इन लोगों की लड़ाई चल रही थी और दुनिया भर की ताम झाम हो रहा था बहुत घमासान मचा हुआ था रक्त रंजित आपके मन में भी घमासान चल रहा भाई सारे सिचुएशन जो है बदल रहे हैं हाँ और मन इतना व्यथित हुआ कि अंततः मैंने कहा कि अब ये तो किताब दोबारा काम करना पड़ेगा उसको मैंने डब्बे में डाल दिया और फिर अपनी जो पत्रकारिता भारी, भारी जी और अपनी जो यात्रा है वो अनवरत जारी रही पत्रकारिता की एक चैनल में जब मैं काम कर रहा था उस वक्त सन 2013 तेरह की बात है एक दिन रात में सोने के समय बिस्तर में अचानक से ये ख्याल आया कि ये जो मैं हासिल करना था वो मैंने कर लिया क्या या मुझे क्या करना है आगे मैंने कहा है कि मेरा एक जो ख्वाब था वो अधूरा रह गया उसे पूरा करना चाहिए एक महीने की छुट्टी ली लेकिन उन्होंने एक महीने के बाद में छुट्टी बढ़ाने के बदले मुझे बर्खास्तगी का पत्र भेज दिया मैं बड़ा खुश हो गया कि चलिए मुझे पूरी तरह मुक्ति मिल गई और तीन महीने में मैंने मेरी वह जो किताब थी उसे अद्यतन किया उसे वहाँ तक पहुँचाया जहाँ तक की किताब जिस वक्त तक मैं था दो जुलाई अगस्त तक अब चूंकि वो किताब बहुत बड़ी थी इसलिए उसे हमने एडिट करके छोटा किया और किताब के पृष्ठों के आकार के हिसाब से साढ़े छह सौ पृष्ठों की दो किताबें बनाई पहली का नाम रखा मुंबई दूसरी का नाम रखा मुंबई रिटर्न नाम के पीछे ये था कि मुंबई के भाई मुंबई और रिटर्न शब्द लगा के दूसरी इसलिए बनाई कि पहली किताब का जो नाम है उसी की ये अगली कड़ी है ये लोगों को पता चले पार्ट टू और इसी तरीके से पार्ट थ्री पार्ट फोर पार्ट फाइव के भी नाम इसी के हैं अच्छा। जो आइंदा दिनों में आने वाले हैं और वाणी प्रकाशन ने किताब प्रकाशित की इस किताब में सिर्फ दाऊद इब्राहिम नहीं है माफिया शब्द की उत्पत्ति से लेकर के आ, पूरे अंडरवर्ल्ड इंडिया का अंडरवर्ल्ड या मुंबई का माफिया जो है वो कैसे खड़ा हुआ उसकी दास्तान है फिर उसके बाद में अलग अलग चैप्टर्स हमने लिए हैं अलग अलग अध्याय लिए हैं जैसे मुंबई माफिया की महिलाएं कौन कौन सी काम करती रही हैं मुंबई माफिया के अंडरवर्ल्ड डॉन्स और शूटर किस तरह के हथियार इस्तेमाल करते रहे हैं मुंबई माफिया में पुराने वक्त में और आज के वक्त में क्या फ़र्क था तब के लोग कितने समझदार थे तब के लोग कितने अपने वादे और कॉल के पक्के होते थे ज़ुबान दे के फिरते नहीं थे तब राजनीति आपस में नहीं होती थी आपसी मार काट खुरें नहीं होती थी आज के वक्त के लोग कैसे हैं उनके बीच के फ़र्क हमने दिखाए रिटायर होने के बाद अंडरवर्ल्ड के लोगों का क्या होता है उसके ऊपर एक पूरी की पूरी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है अच्छा पिछले दिनों एक खबर बहुत तेज़ी से फैली थी पूरी दुनिया ने महसूस किया था उसको दाऊद इब्राहिम का जो अंतकाल है वो आ चुका है लेकिन उसके बाद अचानक हमने सुना कि आपने उसका खंडन किया था वो क्या था पूरा मामला देखिए क्या है कि पिछले एक साल में अगर आप देखने जाएंगे तो कम से कम तीन बार दाऊद इब्राहिम के या तो पाँव में गैंग्रीन हो चुका है या उसको लंग्स खराब हो चुके हैं या उसे हार्ट अटैक आ चुका है और उसकी मौत हो चुकी है लेकिन सवाल ये उठता है कि हम आज कैसी पत्रकारिता कर रहे हैं आज कैसा क्राइम जर्नलिज्म हो रहा है ये बहुत मायने की बात है जो क्वालिटेटिव जर्नलिज्म है उसका पूरी तरह से आज अभाव दिखाई देता है और उसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार जो है वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है यानी हमारा टीवी चैनल है चक्कर में सब कुछ भूल जाते हैं ब्रेकिंग और टीआरपी अखबारों में भी होड़ थी सर्कुलेशन की दौड़ थी लेकिन संपादक उस वक्त बहुत ही कठोर नियमों का पालन करते थे और वो स्व स्व नियम थे अपने खुद के बनाए हुए हम ये प्रकाशित करेंगे ये नहीं हम क्राइम क्रिमिनल और अंडरवर्ल्ड को गैंगस्टर्स को महिमा मंडित नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे तो ऐसे बहुत सारी चीजें थी उसमें जो आजकल की पत्रकारिता में नहीं बची हैं अब क्या होता है कि आज की हमारी जो सरकार है या एजेंसीज हैं इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज और वो सब ये लोग क्या करती हैं कि ये अपने जो जानकारियां निकालनी हैं उसके लिए पत्रकारों को मुहरा बनाती हैं वो एक सूचना देती हैं कि भाई दाऊद इब्राहिम जो है वो घायल है या उसके पाँव में गैंग्रीन हो गया है हमारे जो जर्नलिस्ट हैं वो अपने संपादक को बड़े कूद करके खुश होकर बताते हैं कि साहब ऐसी बड़ी खबर लाए वो बिना कुछ सोचे समझे बिना क्रॉस वेरिफिकेशन करवाए हुए उस खबर को चलवाते हैं और उससे जो हलचल पैदा होती है उसको हमारी एजेंसीज ट्रैक करती हैं इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है उसके जरिए और उससे पता करने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से लोग पाकिस्तान दुबई या अन्य खाड़ी देशों में फोन लगा करके दाऊद के बारे में बात करने की या पता करने की कोशिश कर रहे हैं तो एक ये चीज है दूसरी इसके पीछे एक बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश भी है इस तरह की झूठी खबरें बार बार से अखबारों और चैनलों को दे करके पूरी की पूरी जो पत्रकार बिरादरी है पूरी को पूरा ये जो चौथा स्तंभ कहलाता है लोकतंत्र का इसकी छवि इसकी जो पूरी की गंभीरता है और इनका जो सम्मान है इनकी जो विश्वसनीयता है वो समाप्त कर दी जाए ताकि जब वर्तमान सरकार के ऊपर कोई भी पत्रकार कोई टिप्पणी करने जाएगा कोई आक्षेप लगाने जाएगा तो बोलेंगे दाऊद के बारे में तो तब ऐसा कहा था ये झूठे लोग हैं ये हमारे बारे में भी झूठ बोल रहे हैं तो इस तरीके से पूरी विश्वसनीयता का संकट खड़ा हो गया है आज और ये दाऊद के बारे में बार बार जो खबरें फैलाई जा रही हैं ये उन चीज़ों का नतीजा है अगर हम दाऊद के परिवार की बात करें उनके घर वालों की बात करें तो आज क्या देखते हैं आप दाऊद देखने के लिए एक तरह से तो पाकिस्तान में है कराची में है हमने जो दाऊद इब्राहिम की ताज़ा तरीन फोटोग्राफ छापी है ताज़ा तरीन तस्वीर आपने दुनिया के सामने लाई और पाकिस्तान ने हमेशा इनकार किया है हाँ और जबकि ये एक सत्य है और तथ्य है कि वो कराची में ही है और कराची का जो उसका घर है जिस जिसका नाम पहले उसने वाइट हाउस ही रखा था बाद में उसने बदल करके अपने बेटे मोइन के नाम पे उसका नाम मोइन पैलेस कर दिया वाइट हाउस से नाम मोइन पैलेस करने के पीछे की अपनी एक कहानी है वाइट हाउस के नाम से दुबई में भी उसका घर था जो बंगला उसने दुबई में बनवाया था तो उससे लगा कि बहुत ही ऑब्वियस नाम है वाइट हाउस वाइट हाउस और मेरा वाइट हाउस के नाम से पहचाना जाता है तो कहीं ऐसा ना हो कि इसी नाम के कारण मतलब लोग ये मान लें कि हाँ ये दाऊद का ही घर है तो इसलिए नाम बदला गया उसका तो वहाँ सारे परिवार के लोग आराम से रहते हैं मोइन अंडरवर्ल्ड और इस पूरी दुनिया से बाहर है उसे उन्होंने कुरान हाफिज़ बनाया उसे अच्छी तालीम थी और उसे जितने भी डी कंपनी के लिजिटिमेट यानी कि लीगल बिजनेस हैं वो सब चीज़ों की उसको जानकारी और सूचनाएँ दी है हैं और उसमें उसे रखा है अंडरवर्ल्ड और उसकी बाकी सब चीज़ों से मोइन को उन्होंने बिल्कुल बाहर रखा था ने इसके अलावा जो बेटियां हैं उनके बहुत अच्छे घरों में निका हुए हैं वो लोग सब अपने अपने घरों पर तो जावेद जी जावेद मिया के परिवार में एक सबसे बड़ी बेटी गई और सारे परिवार के लोग जितने भी हैं उन उन्हें अच्छे से पढ़ा लिखा करके और सभ्य दुनिया सभ्य समाज का हिस्सा बनाने का प्रयास किया जा रहा है और यही हालात जो है दाऊद के बाकी भाइयों ने भी किया चाहे आप नुरा की बात करें मुस्तकिन की बात करें इकबाल की बात करें जितने भी हैं और इकबाल उसमें से मुंबई में है मुस्तकिन का पिछले कुछ दिनों पहले ही मौत हुई दिल का दौरा पड़ने से नूरा के बारे में ये कहा था कि किडनी फेल होने से उसकी मौत हुई लेकिन असल कहानी यह है कि रहमान डकैत नाम के एक बड़ा वहाँ का गैंगस्टर है और डकैत है और बड़ा मारकाट मचाने में माहिर है उसने नूरा का अपहरण करके और उसे प्रताड़ना दे, दे करके मारा था और कुछ जमीन का सिलसिला बन गया था उसके चक्कर में तो लिहाजा देखा जाए तो पूरा का पूरा परिवार वहाँ पर अच्छे से सेटल्ड है और पाकिस्तान के बस बाहर जाना उन लोगों के लिए संभव नहीं होता है दाऊद के लिए या छोटा शकील के लिए या टाइगर में कहीं ना कहीं से वो कैद हो गए हैं एक तरह से देखा जाए तो हाँ इस पर हम चर्चा करेंगे विवेक जी और निश्चित रूप से यह जानना दिलचस्प होगा कि आज की तारीख में जो माफिया सरगना है उनकी क्या स्थितियाँ हैं और जो अंडर वर्ल्ड डाउन जो होते हैं वो आजकल क्या कर रहे हैं और मार्केट में क्या उनके नाम का दंका बज रहा है या फिर सन्नाटा है देखते हैं ब्रेक के बाद यहाँ से शहर कैसा दिखता है बहुत छोटा नजर आता ही है शहर। खुद को बड़ा करेगा ना तो शहर छोटा नजर आएगा यू लव मी course आई डू यार ये भी कोई पूछने की बात है क्या अच्छा शर्ट निकालो अपनी करना क्या है मोहल्ले के लड़कों को इकट्ठा करके शाखा ही तो खोलनी है पर देव सिंह ही क्यों क्योंकि देव सिंह इस कोटा शहर का सबसे बड़ा पॉलिटिकल गुंडा है हुकुम मेरा नाम विष्णु राजपूत है तुम जैसे युवा कार्यकर्ताओं की तो हमारे संगठन को जरूरत है अबे तू तेरे साथ साथ मुझे भी मरवाएगा नदी में पत्थर फेंकने से कुछ नहीं होता विष्णु वो बस इतनी बड़ी नदी में डूब जाते है बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम बात कर रहे हैं मुंबई की मुंबई का मतलब होता है बहुत सारे डॉल के बारे में जानकारी एकत्र करके उसको पेश किया है विवेक अग्रवाल जी हमारे साथ हैं विवेक जी अगर हम ब्रेक पे जाने से पहले की बात करें तो हम जानना चाहेंगे कि आजकल सन्नाटा है या डंका बज रहा है डॉल लोगों का देखिए अपराध जगत में या क्रिमिनोलॉजी में एक बात कही जाती है कि जब समाज में शांति होती है तो माफिया या अंडरवर्ल्ड फ्लरिश करता है बढ़ता है विकास करता है कारण ये होता है कि जब समाज शांत है तो पुलिस शांत है समाज शांत है इंटेलिजेंस एजेंसी शांत है किसी तरह की कि कोई हलचल कोई झगड़ा कोई विवाद कोई पंगेबाजी नहीं है तो ऐसे वक्त में अंडरवर्ल्ड अपनी तस्करी के काम आराम से करता है नशे का कारोबार आराम से करता है अपना बड़े हथियारों के छोटे हथियारों का जो भी उनकी तस्करी है वो आराम से होती है हवाला आराम से होता है मैच फिक्सिंग और बाकी सब घटनाएं आराम से होती हैं तो लिहाजा ये बोलना कि अंडरवर्ल्ड शांत है गलत है अंडरवर्ल्ड की गतिविधियां सतह पर दिखाई नहीं दे रही हैं ये सत्य है सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं बहुत सक्रिय है और दूसरी बात यह है कि दाऊद इब्राहिम छोटा राजन अरुण गवली जैसे जो दूसरी पीढ़ी के अंडरवर्ल्ड डॉन थे उन्हें अब छोटी मोटी चीजों में हफ्ता वसूली में सुपारी हत्याओं में रुचि ही नहीं रही अब जो है नया माफिया तीसरी पीढ़ी का माफिया खड़ा हो चुका है अच्छा वो कौन लोग हैं वो हैं रवि पुजारी प्रसाद पुजारी हेमंत पुजारी एक तरह से अगर मैं जितने नाम इन दिनों देख रहा हूं तो मुझे ये महसूस होने लगा है कि मुंबई में फिर एक बार जो है तीसरी पीढ़ी के अंडरवर्ल्ड डॉन्स सक्रिय हुए हैं लेकिन इस बार जितने भी अंडरवर्ल्ड के लोग हैं या सरगना है मुख्य रूप से वो सारे के सारे दक्षिण भारतीय हैं अच्छा और ऐसा महसूस होने लगा है कि दूसरी पीढ़ी के जो अंडरवर्ल्ड डॉन्स हैं या गिरोह सरगना है उनको सुपरसीड करके अब ये लोग ऊपर आ गए हैं और यही लोग आगे मुंबई के अंडरवर्ल्ड के बादशाह बनेंगे इनका खौफ होगा यह है आजकल पहले एक नाम से ही हंगामा हो जाता था अब आएगा अभी, आएगा है। अभी तो इतना बड़ा खौफ और हंगामा नहीं है लेकिन ये लोग अब अपने पांव जमाने की कोशिश कर रहे हैं किसी ज़माने में ये लोग छोटा राजन के या दाऊद के या किसी के सिपाशालार या उनके किरदार हुआ करते थे आज ये लोग खुद बादशाह बन बैठे हैं तो अब जैसे सुरेश पुजारी की बात कहता हूँ सुरेश पुजारी ने पिछले एक साल में कम से कम सत्रह से अठारह बार गोलीबारी करवाई है कुछ एक लोगों को मरवा दिया है उल्लासनगर में पिछले दिनों एक बार में जा के और उसके बंदे ने वहाँ के एक स्टीवर्ड को गोली मार दी एम के वाइन्स या मोहन वाइन्स नाम की एक शॉप है उसके यहाँ पर गोलीबारी करवाई तो सुरेश पुजारी बहुत ज़्यादा अपने आप को इस्टबलिश करने की कोशिश कर रहा है दूसरी तरफ विक्रोली क्षेत्र का जो प्रसाद पुजारी है वो जद्दोजहद में लगा हुआ है तीसरी तरफ रवि पुजारी पूरे जोशो खरोश के साथ उतरा हुआ है हेमंत पुजारी अपनी तरफ से कोशिशों में लगा हुआ है विजय शेट्टी उर्फ विजू वो भी अपनी तरफ से अंडरवर्ल्ड एक्टिविटीज में लगा हुआ है लेकिन वो बहुत शांति और खामोशी से काम कर रहा है पिछले महीने ही विजय शेट्टी के लोगों ने गोलीबारी की थी उल्लासनगर में ही तो लिहाजा ये जो पूरे के पूरे दक्षिण भारतीय गिरोह हैं या सरगना हैं यही लोग सारे के सारे फिर से सक्रिय हुए हैं और ये असल में हफ्ता वसूली के लिए और अन्य कार्य कर रहे हैं सुपारी हत्याएं भी ले रहे हैं जब इतनी सारी दिलचस्पी है एक साथ आपको मिले तो जाहिर तौर पर आप भी चाहेंगे कि मुंबई को अपने हाथों में लेकर पढ़े विवेक जी बता ये बताइए कि अगर मुंबई पढ़ना चाहे जो दर्शक हमारे जो पाठक के तौर पर मिस करते हैं बहुत अच्छी किताबों को मुंबई को कहाँ से और कैसे प्राप्त कर सकते हैं मुंबई प्राप्त करने के लिए जो भी आपके करीब की बुक स्टॉल्स हैं उन पे तो वो मिल ही जाएंगी लेकिन उसके अलावा आप चाहें तो अनूठा डॉट कॉम नाम का एक वेबसाइट है उस पर भी आप वो प्राप्त कर सकते हैं अमेज़ॉन है शॉप क्लूज़ है और रिडिफ बुक्स है ऐसी बहुत सारे जो मार्केट प्लेसेस हैं उन पर भी ये किताबें उपलब्ध हैं वहाँ से आप अगर आदेश देंगे तो आपके घर बैठे आपको किताबें मिल जाएंगी और स्टोर में ख़रीदने जाते हैं तो वहाँ पर आपको जो उनका प्रिंटेड प्राइस है उसी पर मिलती हैं लेकिन ये जितने भी मार्केट प्लेसेस हैं उनमें आपको काफ़ी डिस्काउंट्स भी मिल जाते हैं तो लिहाजा ये किताबें वहाँ से भी हासिल हो जाती हैं बिल्कुल जब लेखन कार्य चल रहा था तो बहुत लंबा समय गुजरा था इनका कभी उन लोगों की तरफ से कुछ संदेश वगैरह आया आपके पास कि भैया क्या ज़रूरत है इस किताब को लिखने की देखिए एक तरह से तो ये किताब आ, मुंबई अंडरवर्ल्ड का इतिहास है और आ, ये जो चीज़ है ये लिखने के लिए कभी भी किसी व्यक्ति विशेष की तरफ से या आ, नेगेटिव या पॉजिटिव कोई रिस्पांस नहीं आया पिछले दिनों एक राष्ट्रीय स्तर के हिंदी चैनल ने छोटा शकील से जब ये दाऊद वाला सिलसिला चल रहा था मौत वाला तो एंकर ने उनसे ये पूछा शकील से ये पूछा कि विवेक अग्रवाल ने अपनी किताब में मुस्तकिन को डी कंपनी का अगला वारिस बताया है आपका क्या कहना है तो छोटा शकील ने बहुत ही कूटनीतिक तरीके से एक जवाब दिया उसने कहा कि वो अपना काम कर रहे हैं हम अपना यानी ना उसने बिल्कुल खंडन नहीं किया इसका मतलब इशारा बहुत ही साफ है बिल्कुल ना उसने खंडन किया ना उसने स्वीकार किया अफसोस इस बात का कि अब मुस्तकिन जिंदा नहीं है और अब ये जरूर दिखाई देने लगा है कि अगर डी कंपनी में दाऊद इब्राहिम नहीं होते हैं तो उसके बाद कौन होगा अगला वारिस कौन होगा अगला डॉन तो अब जो हालात हैं उनमें यह साफ तौर पर लगने लगा है कि छोटा शकील ही डी कंपनी का अगला ताजदार या अगला तख्त का बहुत बड़ी जानकारी दे रहे हैं वाकई और छोटा शकील का एक अलग रुतबा रहा है अभी आज की तारीख में कितना बड़ा नाम हो गया उनका ये बताइए देखिए अंडरवर्ल्ड की एक्टिविटीज जितनी भी हैं उन्हें डायरेक्टली छोटा शकील ही हैंडल करता है आज और बाकी के उनके जितने भी सिपाशालार हैं या जो लोग हैं जो भाई वगैरह जो है मुंबई में अगर हम भाइयों में कोई भी एक्टिव नहीं है आ, अनीस जो है वो थोड़ा बहुत एक्टिव जरूर है लेकिन उसकी उस तरह से गिरोह में चलती नहीं है और इकबाल जो है उसे इन गतिविधियों से बाहर रहने के लिए दाऊद इब्राहिम ने साफ तौर पर कहा है ताकि हिंदुस्तान में जो है वो कम से कम सुख चैन से जी सके और बाकी किसी भी व्यक्ति का कुछ है नहीं हसीना के पिछले दिनों मौत हो गई तो उसके बाद से जो है वो ये परिवार बहुत ही इतमान से और आराम से शांत भाव से जी रहा है रह रहा है जो भी कुछ कामकाज करने होते हैं जो अंडरवर्ल्ड एक्टिविटीज़ रिलेटेड हैं वो सारे के सारे छोटा शकीली हैंडल करता है जब तक भारत में नकली करेंसी का आना जाना था ये वो सब चीज़ें चल रही थी डिमोनेटाइजेशन के पहले तक और थोड़े समय करीब सत्तर अस्सी दिनों के लिए वो बंद हुई थी उसके बाद से फिर वो करेंसी का कारोबार शुरू हो गया तो उसके लिए विक्रम परमार उर्फ छप्पन टिकली जो है वो काम करता है लेकिन वो बांग्लादेश में बैठ करता है और उसको हेड करता है जो व्यक्ति वो है आफ्ताब भटकी और उसका भाई तो बटकी ब्रदर्स जो हैं वो दोनों के दोनों कराची में ही रहते हैं और छोटा शकील के इशारे पर ही वो ये सारा काम करते हैं तो ऐसे हर व्यक्ति का वहाँ पर एक एक टीयर में स्तरों में कामकाज है और अंडरवर्ल्ड जो है वो इसी तरीके से काम करता है जैसे कि एक कंपनी काम करती है और एक सवाल बड़ा दिलचस्प है विवेक जी बहुत अच्छी तरह से बताएंगे कि अक्सर कहा जाता है हमने फिल्मों में भी सुना है कि बेईमानी की दुनिया में ईमानदारी बहुत ज़रूरी होती है अंडरवर्ल्ड की दुनिया में क्या इसको लोग अप्लाई करते हैं देखिये अंडरवर्ल्ड हो या अपराध जगत हो अगर अपराध कोई हल नहीं हुआ है तो इसका मतलब यह है कि उसमें शामिल सभी लोग बहुत ईमानदार थे कोई अपराध अगर एक से ज्यादा व्यक्ति ने किया है और वो पकड़ में आ गया इसका मतलब है कि ईमानदारी में कहीं कमी रह गई दूसरी चीज कॉल का या शब्दों का या जबान का बड़ा महत्व माना जाता है एक वक्त था Uh, कहना चाहिए कि 80 के दशक के आरंभ तक जब तक दाऊद इब्राहिम और ये लोग नहीं पनपे थे तब तक अंडरवर्ल्ड में जबान की कीमत बहुत बड़ी थी। दाऊद वगैरह के आने के बाद में इन चीजों का हुआस हुआ है ये क्षीण हुई है और ईमानदारी के स्तर पर भी थोड़ी कमी आई है जी। तो बावजूद उसके बेमानी में ईमानदारी सबसे अधिक होती है ये जो जुमला कहा जाता है ये जो मुहावरा बना हुआ है ये आज भी सत्य है बिल्कुल अच्छा जब आप कोई काम करते हैं तो सिचुएशन जो होता है उसका बहुत असर पड़ता है तन पर मन पर विवेक जी ये बताइए जब मुंबई की आप रचना कर रहे थे लेखन कर रहे थे उस दौरान आपके व्यक्तित्व में कितना बदलाव आया था क्या आपको लगता था कि आप भी एक हिस्सा बन गए हैं अंडर के मैं उन्नीस से ही अंडर का हिस्सा हूँ क्योंकि <laughs> मैं उसी समय से इन तमाम लोगों के बीच उठता बैठता रहा हूँ हमारे समाज में वैश्याओं के पास जाना या बार गर्ल्स के पास जाना उनसे बातचीत करना अच्छा नहीं समझा जाता मेरी जिंदगी में न जाने कितनी सैंकड़ों वैश्याएँ और सैकड़ों गर्ल्स आई हैं और उन लोगों से बड़े ही रूहानी ताल्लुकात रहे जिस्मानी ताल्लुकात किसी से भी नहीं बने उसका एकमात्र कारण यह था कि हम अपने स्वयं से ईमानदार थे जी। तो जो व्यक्ति स्वयं से ईमानदार है वो कभी अपने से बाहर नहीं जाता तो एक वो महत्वपूर्ण चीज थी उन लोगों ने मिलकर के विवेक अग्रवाल को आज आपके साथ बैठने योग्य बनाया है उन स्त्रियों का जो योगदान है वो किसी भी व्यक्ति के योगदान से बहुत बड़ा है मेरे जीवन में क्योंकि जो सूचनाएं अंडरवर्ल्ड के लोग पुलिस के लोग इंफॉर्मर्स इन्फ, उन लोगों के पास बड़ी आसानी से बोल देते हैं वो इन्फॉर्मेशन मुझ तक उन लोगों से पहुंचती थी इसलिए और... कहा जाता है कि विवेक अग्रवाल का जो नेटवर्क है कमाल का है आ, तो, कमाल तो, का, तो, तो, का तो नहीं कह, कह सकते मार्केट में इमेज है आपकी हाँ कमाल का नहीं कह सकते लेकिन हाँ मैंने मतलब कोशिश ये की है छब्बीस ग्यारह के बाद आप वैसे लोकेशन पर चले जाते हैं जहाँ कोई नहीं जा पाता है ये तो है ही नेटवर्क बस वही एक चीज़ है क्योंकि ये जितनी भी आसपास हमारे फैली हुई जख्मी रूहें हैं, हुँ। हैं। हुँ। वो उनके दिलों पर मरहम लगाने का काम जब मैंने किया था और मैं उन लोगों के साथ में उनका भाई उनका बेटा उनका भतीजा या उनका दोस्त उनका हमदम उनका दर्द बांटने वाला व्यक्ति बन करके मिलता था तो उन्हें लगता था कि इस अंधेरे में कहीं एक छोटा सा दिया टिमटिमाता है और वो ये विवेक अग्रवाल है तो वो मुझे अपना मानते हैं वो मुझ पर भरोसा करते हैं और उनके भरोसे को मैंने कभी भी टूटने नहीं दिया वो भरोसा है बुजुर्गों के आशीर्वाद से गुरुजनों के आशीर्वाद से वो सब आज तक कायम है और इसका मतलब ये हुआ कि कभी आपको डर नहीं लगा कभी खौफ महसूस नहीं किया जो पत्रकार हैं हिम्मत करते हैं लेकिन एक मोड़ पे आके रुक जाते हैं कई बार हमने देखा ऐसा देखिए आपके पीछे वो कौन सी शक्ति है जो प्रेरित करती रहती है आपको मेरे खतरा उठाने को आप तैयार रहते हैं मेरे पीछे तो सिर्फ एक ही शक्ति है जो कि मेरे पिता से मुझे मिली वो है ईमानदारी और सिद्धांत उनका बहुत ही सीधा सा मुझे एक शिक्षा मिली कि बेटा जिस दिन स्वयं से ईमानदारी तुमने छोड़ दी उस दिन तुम खत्म हो जाओगे क्योंकि वो एक न्यायाधीश थे न्याय की आसंदी पर उस सिंहासन पर बैठ करके उन्होंने न जाने कितनों को फांसी की सजा दी न जाने कितनों को साथ में न्याय किया उन्होंने और जब मैंने कलम हाथ में थामी तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हारे और मेरे बीच में सिर्फ एक ही चीज़ का फ़र्क है कि मैं न्याय की आसंदी पर बैठ आदेश देता हूँ और तुम सड़क पर घूम उन लोगों के दुख दर्द जानकर और उनके बारे में लिखोगे लेकिन कलम वही होगी तो इस कलम का दुरुपयोग ना हो जाए हमेशा ये बात का ध्यान रखना मेरे जीवन में मेरी कलम का एक ही बार दुरुपयोग हुआ और आज भी कभी ऐसा होता है कि रात में अचानक मेरे अंदर वो भाव आ जाता है वो घटना याद आ जाती है और मैं चौंक कर जाग जाता हूँ क्योंकि अनजाने हुई घटना है लेकिन उसका दर्द उसका एहसास आज भी मेरे अंदर कायम है तो जब आप अपने साथ में ईमानदार हैं स्वयं से ईमानदार हैं तो आप लोगों के साथ गलती नहीं करते और ये शक्ति सबसे बड़ी होती है और दूसरी चीज आप गरीब गुरबों के लिए जो सताए हुए लोग हैं उनके लिए जब लड़ते हैं तो उनकी दुआओं का जो कवच आपके आसपास बनता है उसे दुनिया की कोई शक्ति भेद नहीं सकती बिल्कुल तो जिस तरह से विवेक अग्रवाल जी ने अपनी यात्रा को जारी रखा है और जिस सोच के तहत ये आगे बढ़ते जा रहे हैं ऐसे में कोई दो राय नहीं हो सकती कि इनका जो सफ़र है वो बहुत ज़्यादा लंबा होगा लेकिन जिस तरह से इन्होंने एक रिस्क लिया है उसमें वो सुरक्षित हैं इसका मतलब साफ है कि सच्चाई इनके साथ है और अगर आप मुंबई को पढ़ेंगे और मुंबई रिटर्न्स को पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से अंडर वर्ल्ड से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं जो भी सवाल हैं आपको कहीं ना कहीं से एक नया रास्ता दिखाने की कोशिश करेंगी विवेक जी आपने समय निकाला बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएँ कि आप इसी तरह से बाकी लोगों के बारे में भी अपनी कलम के जरिए सच्चाई बयान करते रहें फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया तो इस खास कार्यक्रम में इतना ही बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहे इन ट्वेंटी न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त नमस्कार